हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में जानेंगे हम SNMP बेसिक ऑपरेशन कमांड्स, यानी कि SNMP प्रोटोकॉल्स के रन होने में जो बेसिक कमांड्स यूज होते हैं उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और किसी भी कमांड को यूज करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, यानी किस भी कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज के इस टॉपिक में जानेंगे SNMP ऑपरेशंस में यूज होने वाले बेसिक कमांड्स और उनके वैल्यूज क्या होते हैं, यानी किस कमांड को यूज करने पे क्या बेनिफिट होता है, क्या उसका यूज होता है। सबसे पहले कमांड के बारे में बात करते हैं गेट। गेट इट इज यूज टू गेट मोर वैल्यूज फ्रॉम एजेंट बाय SNMP मैनेजर, यानी कि गेट कमांड का यूज SNMP मैनेजर द्वारा एक से ज्यादा वैल्यू को गेट करने के लिए किया जाता है। एक से ज्यादा वैल्यूज को जानना है तो SNMP एजेंट के थ्रू गेट कमांड को यूज करेगा और SNMP एजेंट उसको एक से ज्यादा वैल्यूज के बारे में जानकारी देगा, उसको प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट होती है गेट नेक्स्ट। इट इज वर्क सेम गेट, इट इज टू गेट नेक्स्ट वैल्यू बाय एजेंट, यानी कि नेक्स्ट कमांड है गेट नेक्स्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है गेट नेक्स्ट, यानी कि ये सेम गेट कमांड की तरह वर्क करती है। इसका भी काम वैल्यू को फाइंड करना होता है, लेकिन ये गेट कमांड से जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसको फाइंड करने का वर्क करती है। सेम SNMP मैनेजर को अगर नेक्स्ट गेट कमांड से भी नेक्स्ट वैल्यू को जानना है तो SNMP एजेंट के थ्रू इस गेट नेक्स्ट कमांड का यूज करेगा और उसको गेट नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट होता है SEP सेट। मैनेजर यूज टू मॉडिफाई द मैनेज डिवाइस वैल्यू, यानी कि अगर SNMP मैनेजर को वहां पे जो भी नेटवर्क में मैनेज डिवाइसेस हैं उनकी मॉडिफाई वैल्यू को जानना है तो वो सेट कमांड का यूज करेगा और उसको जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी जो मॉडिफाई वैल्यू है उसको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट होता है ट्रैप। दिस कमांड इज यूज टू एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू SNMP मैनेजर बाय SNMP एजेंट, यानी कि ट्रैप कमांड का यूज होता है किसी भी SNMP एजेंट के थ्रू SNMP मैनेजर को कोई भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करने के लिए, यानी कि अगर किसी SNMP एजेंट को कोई भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करना है तो वो ट्रैप कमांड का यूज करेगा और SNMP मैनेजर को एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा गेट बल्क। दिस ऑपरेशन यूज टू रिट्राइव लार्ज डेटा फाइल फ्रॉम MIB टेबल, यानी कि गेट बल्क कमांड का यूज एक बड़े लार्ज डेटा फाइल्स को रिट्राइव करने के लिए किया जाता है, जो कि हमें जो फाइल्स जो मिलती है कहां से मिलती है, MIB टेबल से। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्म। इट इज सेम ट्रैप, इट इज यूज टू सेंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू SNMP मैनेजर बाय SNMP एजेंट। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म यानी कि किसी को भी इन्फॉर्म करना, इस कमांड का वर्क भी सेम ट्रैप कमांड की तरह होता है। ये डेटा को रिट्राइव करने का वर्क करती है, प्लस इसका एक और वर्क होता है, ये SNMP एजेंट इसके थ्रू इस कमांड को यूज करके SNMP मैनेजर को एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी सेंड कर सकता है, यानी कि इस कमांड के दो वर्क होते हैं, ये ट्रैप की तरह वर्क करती है और कोई भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज अगर मैनेजर को भेजना है एजेंट के थ्रू तो वो इस कमांड को यूज करके अपना कोई भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड कर सकता है। दोस्तों, आज हमने जाना SNMP प्रोटोकॉल्स के ऑपरेशंस में रन होने वाली बेसिक कमांड्स के वैल्यूज, यानी कि किस कमांड को यूज करने पर क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई इस बेसिक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।